श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे सभी भक्तों को। भक्तों, तो आज की जो ये वीडियो है बहुत ही ज्यादा स्पेशल और रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि जो है जन्माष्टमी आने ही वाली है और बहुत से भक्त जो हैं वो जन्माष्टमी के अवसर पर युगल सरकार की स्थापना करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके जो घर है, जो युगल जोड़ी है, वो आए जन्माष्टमी पर। और वैसे भी जो है बहुत से भक्त हैं जो कि मार्बल के जो विग्रह हैं वो लेना चाहते हैं, लेकिन के मन में काफी प्रश्न होते हैं, काफी संशय होते हैं लेने से पहले। उन्हें पूर्णतः जानकारी नहीं होती लेने से पहले, तो वो चाहते हैं कि उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म पर या एक ही वीडियो में सारी जानकारी जो मिल जाए। तो उसी लिए मैंने ये जो आज की वीडियो है, ये वीडियो खास उन्हीं भक्तों के लिए बनाई है जो कि मार्बल के विग्रह लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं जो है पूरी जानकारी दूंगी आपको। तो आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरी वीडियो देखें, नहीं तो फिर आपके जो है पूरे जो प्रश्न हैं उनके सबके जो है जवाब नहीं मिल पाएंगे आपको। तो मैं बताती हूँ, सबसे पहला प्रश्न, जब भी कोई भक्त विग्रह लेना चाहता है, मार्बल के विग्रह लेना चाहता है, सबसे पहला प्रश्न आता है कि मार्बल के जो विग्रह हैं वो कहाँ से लें, क्योंकि ज्यादातर भक्त सोचते हैं कि वृंदावन में ही सबसे अच्छे विग्रह मिलते हैं मार्बल के, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्बल के जो विग्रह हैं पूरे वर्ल्ड में जो विग्रह जो भेजे जाते हैं, मार्बल के विग्रह जो बनते हैं, वो सबसे अच्छे विग्रह जो बनते हैं वो जयपुर में बनते हैं। पूरा एक कारखाना है, पूरा मार्केट में बड़ा कारखाना है, और वहीं से ही जो है पूरे वर्ल्ड में जो मार्बल के विग्रह हैं वो भेजे जाते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप भी विग्रह लेना चाहते हैं मार्बल के, तो आप कोशिश करें कि आप जयपुर से ही लें। फिर प्रश्न आता है कि किस शॉप से लें। तो जो वहां पे जो कारखाने हैं, अगर आपको पता है कि वहां की शॉप का, अगर आपको किसी शॉप का नाम पता है तो ठीक है, नहीं तो जहां से मेरे जो युगल सरकार आए थे जिन शॉप से, तो मैं उस क्या कहते हैं, मैंने इस पर विषय पर भी एक वीडियो बनाई हुई है, तो मैं वो लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप वहां जाके उनसे पता कर सकते हैं। वरना तो अगर आपको कोई जयपुर में दुकान पता है तो आप वहां से भी ले सकते हैं। मार्बल के जो विग्रह हैं वो जयपुर में ही जो है प्योर विग्रह मिलते हैं, सबसे अच्छे विग्रह जो है वो जयपुर में ही बनते हैं, क्योंकि वहीं से बनकर ही वृंदावन में पहुंचते हैं। तो मैं चाहूंगी अगर आप लेना चाहते हैं उचित न्योछावर में, बिल्कुल सही रेट में और अच्छे विग्रह, तो आप जयपुर से ही लें। फिर प्रश्न आता है कि आप जयपुर जाके लें या ऑनलाइन लें या कैसे लें। तो मैं बता देती हूँ कि जो जहां पर भी इनकी शॉप होती है जयपुर में, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, वरना आप YouTube पर भी सर्च करके आप पता कर सकते हैं कहाँ मिलते हैं जयपुर में, तो वो लोग क्या कहते हैं आपके घर भी पहुंचा देते हैं। और मैंने भी जो ये विग्रह है, ये मेरे जो राधा कृष्ण है, ये उन्होंने वहीं से ही खुद ही स्वयं ही भिजवाए थे। पहला प्रश्न तो ये आ जाता है कि हम कहां से लें, तो मैंने आपको बता दिया सबसे अच्छे विग्रह जयपुर में बनते हैं, आप वहां से ले सकते हैं। आप वृंदावन से लेंगे तो वृंदावन में मार्बल के विग्रह नहीं बनते, वहां पर जयपुर से ही बनकर वृंदावन में मार्बल के विग्रह जाते हैं। पहला प्रश्न तो ये दूर हुआ। फिर दूसरी बात, भक्तों के मन में ये संशय रहता है कि जो हम विग्रह लें मार्बल के, तो हम जो है कौन से मार्बल में लें, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हम विग्रह लेते हैं तो हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं होती। वियतनाम में भी विग्रह आते हैं, और क्या कहते हैं मकराना मार्बल में, जो ये मेरे राधा कृष्ण है, युगल सरकार है, ये जो है आप अन्य वीडियो में भी जाकर अच्छे से देख सकते हैं। आज मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ठीक से अपनी राधा रानी को अभी नहीं दिखाया, मैं दिखा दूंगी, क्योंकि अभी मैंने जो है इनका श्रृंगार करना है। अभी मैंने इनका श्रृंगार चेंज करके, देखिए आप देख सकते हैं वीडियो में, हल्का सा इनको कपड़े से ही मैंने धोती पहनाई है, तो पूर्णतः श्रृंगार नहीं किया है। मेरे मन में विचार आया क्यों ना मैं एक वीडियो शूट कर दूं श्रृंगार से पहले, तो मैं अगर आप हो सकता है मैं राधा रानी को भी चलो दिखा ही देती हूँ। ये देखिए मेरी राधा रानी, क्योंकि मैंने अभी श्रृंगार नहीं किया है, तो मैं चाहती हूँ कि राधा रानी पूर्णतः श्रृंगार के साथ सामने, मगर फिर भी मैंने चलो दिखा दी है आपको। फिर दूसरा प्रश्न क्या आता है, मैं ही बता रही थी कि किस में ले, वियतनाम में, मकराना मार्बल में, और एक डस्ट में बनते हैं जो विग्रह होते हैं। जो मेरे राधा कृष्ण हैं
वो जो है मकराना मार्बल के बने हुए हैं। तो सबसे बेस्ट मार्बल जो होता है वो मकराना होता है। देखने में जो ज्यादा खूबसूरत लगता है वो वियतनाम लगता है। वियतनाम और मकराना में अंतर मैं बताती हूँ क्या होता है। दोनों ही मार्बल बहुत अच्छे हैं और लगभग न्योछावर जो है दोनों की सेम ही है, बल्कि हो सकता है वियतनाम की थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन लगभग लगभग सेम ही न्योछावर है। वियतनाम और मकराना में दोनों में अंतर ये है कि जो वियतनाम है वो ज्यादा वाइट होता है, देखने में ज्यादा खूबसूरत होता है मकराना के मुकाबले में, लेकिन जो है वियतनाम जो है मार्बल है वो धीरे धीरे थोड़ा सा डल पड़ता जाता है समय के साथ साथ, और उसकी जो चमक है वो थोड़ी कम होती जाती है। और जैसे हम कोई तिलक लगाते हैं या कोई चंदन लगाते हैं या कुछ भी हम जब श्रृंगार के लिए हम जो भी स्टिक करने के लिए हम यूज करते हैं, मोम यूज करते हैं, तो उसके जो वियतनाम जो मार्बल होता है उस पर जो है निशान रहने के डर रहते हैं, पर मकरारा में ये शिकायतें कम आती हैं। इसलिए अगर आप विग्रह लें तो मैं तो यही चाहूंगी कि आप जो है मकराना मार्बल में लें, क्योंकि मकराना मार्बल में जो है चमक है जो मार्बल की वो समय के साथ बढ़ती है और वियतनाम में घटती है, तो ज्यादा टिकाऊ जो है वो मकराना मार्बल रहता है श्रृंगार के हिसाब से। और डस्ट डस्ट में जो है अगर आपके पास इतना है हिसाब इनके न्योछावर का, देखिए न्योछावर सबसे ज्यादा वियतनाम और मकराना की होती है, डस्ट के मार्बल जो है उनकी न्योछावर कम होती है, इसलिए अगर आप ले सकते हैं तो आप वियतनाम या मकराना में ही ले, और डस्ट में जो है आप विग्रह ना लें क्योंकि वो इतने टिकाऊ नहीं होते। और तीसरी बात ये आती है भक्तों के मन में कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये डस्ट के हैं या वियतनाम के हैं मकराना के हैं, तो मैं बता दूं जो डस्ट के जो विग्रह होते हैं वो काफी हल्के लाइट वेट होते हैं, और जो वियतनाम या मकराना में होते हैं वो थोड़े से जो हैवी, उनमें थोड़ा वेट होता है, तो आप जो है उठाकर अच्छे से पता कर सकते हैं कि ये डस्ट में है, वियतनाम में है या मकराना में है, और वियतनाम की चमक जो है वो मकराना के मुकाबले में थोड़ी सी वाइटनेस ज्यादा होती है। अब ये बात हो गई। दूसरी बात तो ये मैंने आपको बता दी, पहली बात बताई मैंने आप कहां से ले, दूसरी बात क्या बताई कि किस मार्बल में ले, तीसरी बात भक्तों के मन में ये आती है कि हम कितने इंचेस के ले, तो ये 9 इंचेस से लेकर जो घर में हम स्थापित करते हैं विग्रह वो क्या कहते हैं 22 इंचेस तक ज्यादा प्रेफर करते हैं जो भक्त लेना। मगर मैं बता दूं अगर आप एक्चुअल जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 15 इंचेस 15 इंचेस से शुरू होता है, क्योंकि 12 इंचेस में भी आते हैं, मगर जो हमारे जो फीचर्स होते हैं हमारे कान्हा जी के और राधा रानी के जितने ये जो फीचर्स हैं वे 15 इंचेस के जो विग्रह होते हैं उसमें अच्छे से निकल के आते हैं, फीचर्स ये बहुत बढ़िया से इनके फीचर्स होते हैं। देखिए मेरे कान्हा जी के, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कितने सुंदर फीचर्स हैं, इनकी आंखें देखिए, इनके जो है होंठ देखिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना खूबसूरत है। तो 15 इंचेस के ले सकते हैं आप, 20 इंचेस के ले सकते हैं, 18 इंचेस के ले सकते हैं, 20 और 22, ये आप बड़ा विग्रह लेना आपकी इच्छा है, मगर कोशिश करिए कि आप 15 कम से कम 15 इंचेस के विग्रह तो जरूर ले, क्योंकि उसमें श्रृंगार जो है वो आप अच्छे से कर सकते हैं। 9 इंचेस के या 12 इंचेस के विग्रह के जो हैं वो नैन नक्श जो या फीचर्स हैं वो उतने उभर कर, क्योंकि कटिंग से ही ये विग्रह को कटिंग करके जो ये मार्बल को जो है वो इनके जो फीचर्स हैं बनाए जाते हैं, तो जितनी फिनिशिंग 15 इंचेस से लेकर जो साइज बढ़ता जाता है उस साइज में फीचर्स जो है वो अच्छे से बन पाते हैं। तो ये साइज की बात रही, ये आपकी इच्छा है, आपके घर के मंदिर के ऊपर और आपकी सेवा के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने बड़े विग्रह रखना चाहते हैं। वैसे कहा जाता है कि कहने में तो ये आता है कि घर में जो विग्रह रखे जो मूर्तियां होनी चाहिए वो क्या कहते हैं अंगूठे के साइज की जो मूर्तियां हैं वो रखनी चाहिए घर में, बड़े साइज की नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं जब आप बड़े साइज के विग्रह, देखिए मूर्तियां और विग्रह मैं क्यों कह रही हूं, जब हम जिन भी हम भगवान की सेवा करते हैं उनको हम विग्रह बोलते हैं, मूर्तियां नहीं बोलना चाहिए, तो जब जब हमारा साइज बड़ा हो जाता है विग्रह का तो हमें उनकी सेवा करनी पड़ती है। तो आप ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत से लोग कहते हैं कि बड़े विग्रह जो है वो घर में नहीं रखने चाहिए, जी आप बिल्कुल रख सकते हैं बड़े विग्रह घर में, बस अंतर इतना है अगर आप जो विग्रह रखते हैं तो आपको फिर उनकी उसी हिसाब से पूरी तरह से सेवा करनी होती है, जितना बड़ा विग्रह होगा उतनी ही आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तीसरा प्रश्न ये आता है भक्तों के विषय में कि हम मार्बल में ही लें या धातु में लें। मैं दिखा देती हूँ आपको, धातु के भी मेरे पास छोटे वाले युगल सरकार है, ये देखिए,
5.5 इंच के ये देखिए मेरे युगल सरकार हैं, और ये युगल सरकार जो है ये धातु में ही बने हैं। देखिए ये पीताम्बरी कलर की इन्होंने जो है पोशाक धारण की हुई है, और जो मैंने ये राधा रानी और ये मेरे कान्हा जी हैं बिहारी जी, इनको ब्लैक कलर में बिहारी जी को पेंट की कर की, जो है करवाया हुआ है, और राधा रानी का व्हाइट कलर में। तो ये धातु के हैं। अब मैं बता देती हूँ कि क्या अंतर होता है। देखिए देखने में खूबसूरत तो मार्बल के ही ज्यादा लगते हैं, लेकिन क्या अंतर है दोनों में। जो मार्बल के अगर हम विग्रह लेते हैं तो हम उनको डेली स्नान नहीं करा सकते। इस विषय में मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं रख रखाव से संबंधित, तो मैं उन सभी के जो लिंक है मैं अपने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वीडियो के एंड में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दूंगी वीडियो के लिंक, तो वहां पे भी आप रख रखाव से संबंधित जाकर वीडियो देख सकते हैं। जो धातु के विग्रह होते हैं, अष्ट धातु के होते हैं या मेटल के होते हैं, पीतल के होते हैं, और जो मार्बल के विग्रह होते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है। देखिए मार्बल के विग्रह जो होते हैं उनका रख रखाव बहुत ज्यादा होता है। आप जो धातु के विग्रह लेते हैं क्या कहते हैं, वो इतने डेलिकेट नहीं होते जितने कि मार्बल के विग्रह होते हैं। आपको मार्बल के विग्रह को पहली बात तो आप डेली स्नान नहीं करा सकते, क्योंकि अगर आप डेली स्नान कराते हो मार्बल के विग्रह को तो जो इनकी आंखों का और जो इनके जो लिप्स है, ये जो कलर से जो इनकी आईज बनी होती है, ये जो है हटने का डर रहता है, तो इसलिए इनको हम डेली स्नान नहीं करा सकते। और एक इनका जब हम श्रृंगार करते हैं तो इनको श्रृंगार करने में भी बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। हमें कभी भी हाथों से पकड़कर अपनी राधा रानी या कान्हा जी को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा इनका बहुत नाजुक होता है और खंडित होने का डर रहता है। हमेशा हमें कमर से पकड़कर और पैरों से पकड़कर ही इनको जो है उठाकर एक स्थान से दूसरी जगह पर हमें स्थापित करना चाहिए। तो इनके जो रख रखाव है वो बहुत ही ज्यादा मतलब सावधानी रखनी पड़ती है, जितना कि हम जो है अन्य जो धातु के बने हुए विग्रह होते हैं उनमें इतनी सावधानी की जरूरत नहीं होती। क्योंकि अन्य जो विग्रह हैं धातु के बने हुए, उन्हें हम लेटाकर बिठाकर बेड पर भी हम श्रृंगार कर सकते हैं उन्हें लेटाकर भी, मगर जो ये मार्बल के विग्रह होते हैं इन्हें सिर्फ हम खड़े कर ही इनका श्रृंगार कर सकते हैं। इनको हम लेटाकर या बैठाकर ज्यादा करेंगे तो इनके खंडित होने का डर रहता है। और दूसरी बात यह है इनके श्रृंगार में भी काफी टाइम लगता है। जैसा कि हम बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार देखते हैं हमारा मन करता है, तो इनके श्रृंगार में काफी टाइम लगता है। अगर आप डेली सेवा करते हैं, यानी कि आप चाहते हैं आप डेली स्नान कराना, डेली श्रृंगार कराना, तो मैं कहूंगी कि आप धातु में ही लीजिए, क्योंकि जो मार्बल के विग्रह होते हैं उनका श्रृंगार करने में कभी कभी तो पूरा दिन भी लग जाता है, और कुछ लोग जो है वो डेली ही पोशाक बदलते हैं। तो मार्बल के विग्रह में ये देखिए हल्का श्रृंगार तो पॉसिबल है, लेकिन जो है प्रॉपर, क्योंकि आप डेली नहला नहीं सकते, तो डेली श्रृंगार जब आप हैवी श्रृंगार कर देते हैं तो पूरा दिन जो हमारा लग जाता है श्रृंगार करने में, ज्वेलरी चूज करने में, इनको सुंदर सुंदर सा श्रृंगार करने में, वो जो है मैं फ्रेंकली बोलूं तो पॉसिबल डेली नहीं हो पाता। क्योंकि देखिए हमारे छोटे युगल सरकार है, इनका तो आप डेली श्रृंगार कर सकते हैं, लेकिन बड़े वाली युगल सरकार का डेली श्रृंगार करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं बता दूं, अगर आप डेली श्रृंगार करते हैं तो आप जो है अन्य धातु, अष्ट धातु के या पीतल के ही विग्रह लें। तो ये कुछ बातें थी कि आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी कि जो है मार्बल के विग्रह लेने से पहले कि क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए। और तीसरी बात आती है न्योछावर की, भक्तों को ये लगता है कि उन्हें कैसे पता चलेगा। देखिए मैं अपने विग्रह की न्योछावर नहीं बता सकती, क्योंकि जिन विग्रह की हम सेवा करते हैं, ये प्रश्न मेरे पास भक्तों के काफी कमेंट आते हैं कि जी आप अपने आपके जो है राधा कृष्ण है उनका प्राइस क्या है। तो मैं आपको बता दूं, मेरे राधा कृष्ण अनमोल है, उनका मोल मैं आपको नहीं बता सकती, न्योछावर मैं कब नहीं बताऊंगी, मैंने कई बार बोला है, लेकिन हाँ, क्योंकि जो जहां से मैंने लिए थे उन भैया का जो है, मैं अन्य वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं लिंक, तो वहां पे मैंने एड्रेस दिया है, उन शॉप पे आप जो है फोन करके न्योछावर पता कर सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं, प्राइस फिक्स होता है, चाहे तो आप उन भैया से लें जहां से मैंने लिए, या आप अन्य कहीं से भी लें, क्योंकि मैंने भी लेने से पहले 3-4 जगह पता किया था, हर कोई पता करता है, तो मैंने ये पाया कि लगभग लगभग
सभी जो जयपुर में जो शॉप्स हैं लगभग सभी का नौछावर सेम है। आप चाहें तो जहां से मैंने लिए वहां से लें, वरना अन्य यूट्यूबर्स ने भी जो है वो इस विषय पर काफी वीडियोस बनाई हुई हैं कि उनके जो है राधा कृष्ण कहाँ से आए कैसे आए, तो आप वहां से भी जाकर ले सकते हैं। या जो रूप आपको पसंद आता है, जिनका भी जिस भी कान्हा का रूप आपको पसंद आता है, तो वहां से जहां से भी जिन्होंने लिए आप कहीं से भी ले, लगभग मैं बता देती हूँ न्यौछावर सभी का सेम है। तो ये कुछ प्रश्न हैं भक्तों, जो कि सभी जो है नए जो भक्त हैं लेना चाहते हैं, नए भक्त तो नहीं बोलूंगी, जो कि मार्बल के विग्रह लेना चाहते हैं जो भक्त, उनके मन में यही सब प्रश्न आते रहते हैं कि हम कहाँ से लें कैसे लें, या क्या क्या हमें सावधानी रखनी पड़ती है, आपने कहाँ से लिए। तो ये अक्सर काफी कमेंट मेरे पास आते रहते हैं, तो उन्हीं का ही मैं आज आपको जो है इस वीडियो में जवाब दे रही हूँ। और दूसरी बात, जब हम मार्बल के विग्रह आते हैं, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि इनका रख रखाव देखिए, हम जिस तरह से धातु के विषय पर पूरा श्रृंगार चंदन देखिए मैंने जैसे कि लगाए हुए अपने छोटे वाले कान्हा जी के, तो इस तरह से हम बड़े वाले विग्रह पे जो ये जो लगा है इनके जो तिलक लगा है, ये मैंने नहीं लगाया है, चंदन का तिलक नहीं है ये, ऑलरेडी तिलक जो है ये पेंट का तिलक, वही सर जहां से ये इनका श्रृंगार परमानेंट श्रृंगार होके आया, तो ये परमानेंट तिलक है, हम नहीं लगा सकते, हम लगाएंगे तो जो मार्बल पे जो है निशान आने के डर रहते हैं। हमें कभी भी अपने जो है विग्रह के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए परमानेंट श्रृंगार के साथ, क्योंकि जो स्किल्स हैंड होते हैं उनकी बात ही कुछ और होती है, तो हम इस तरह का श्रृंगार नहीं कर पाएंगे, तो इनके श्रृंगार में कोई भी छेड़ खानी हमें नहीं करनी चाहिए। और तीसरी बात ये होती है कि देखिए इनकी पोशाक का भी काफी वो बनाने, अगर आपको आती है बनानी है तो ठीक है, वरना जो है इनकी पोशाक भी काफी अगर आप घर में सिलाई कर सकते हैं बहुत अच्छी बात, वरना तो अगर आपके भाव भाव इतने हैं, आपकी सेवा भाव है, तो इनकी जो पोशाक है वो सुई धागे से भी, या देखिए मैंने सिंपल कपड़े से ही इनको अभी धोती पहनाई है, कुछ भी नहीं, एक सिंपल कपड़ा अनस्टिच्ड कपड़ा ही अभी मैंने इनको पहनाया, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, वैसे तो मुझे इनका भी श्रृंगार चेंज करना है मगर गर्मी इतनी हो रही है मेरा बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने छोटे युगल का सरकार का श्रृंगार किया और ये देख देख कर मुझे बहुत गर्मी लग रही है, और क्योंकि ये मैंने निर्जला एकादशी पर किया था, तो एकादशी पर या खास मौकों पर हैवी श्रृंगार किया जाता है, लेकिन देखिए मुझे बहुत गर्मी लगी देखकर, इसलिए मैंने अभी अपने कान्हा जी का बहुत ही हल्का सा मैंने इनको कॉटन के जो है सिर्फ धोती पहना रखी है। और पोशाक से संबंधित विषय पर भी मैं बता दूं, ऑनलाइन पोशाकें भी काफी सारी मिलती है, वृंदावन में भी मिलती है, वरना आप खुद भी हाथ से सिलकर बना सकते हैं, और मैंने पोशाक का नाप की भी एक वीडियो बना रखी है, वो भी मैं लिंक पर डाल दूंगी। और इसके अलावा भी आपके कोई अन्य पक जो है वो प्रश्न है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। राधे राधे, हरि बोलो।